Speeding. 5, 4, 3, 2, 1. दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जिस काम में कई दशक लग जाते थे वो अब सालों में या महीनों में ही हो जाता है। दशकों से लोगों के मन में ये भ्रम है कि नौकरी एक सुरक्षित जगह है सारी जिंदगी काम करते रहने के लिए। हमारे देश के इतिहास में पहली बार हमारे बच्चे हमारे जितने सफल नहीं हो सकेंगे। मैंने दोस्तों की और खुद की नौकरी जाते देखी है, पगार कटते देखी है। लोग ज्यादा काम कर रहे हैं कम तनख्वाह में, उनके पास वक्त भी कम है और आजादी भी कम। वो लगातार दबाव में रहते हैं। ये उन पर थोपा गया है तो भले ही आपका एम्प्लॉयर आपको पसंद करता हो, आपको निकाल सकता है। कुछ तो गलत हो रहा है अगर सोमवार की सुबह हार्ट अटैक के चांसेस 35% से बढ़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है। लगता नहीं कि पैसे कमाने के पुराने तरीके अब भरोसेमंद रहे हैं। हर काम को करने के अब बेहतर तरीके हैं पर हम अब भी पुरानों में फंसे हैं। हम दुनिया के सबसे जबरदस्त देश में हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कंप्लेन करने में बुराई निकालने में लगे हुए। हर कोई जो पुरानी चीजों को लेकर रोता रहता है बेवकूफ है। यहाँ जो है इतनी अपॉर्चुनिटी उसे देखो। क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे काम के इर्द गिर्द ही चलती है। जिस तरह से हम पैसे कमाते हैं बहुत से लोग अब ये सोच रहे हैं कि इसका कोई तो बेहतर तरीका होना ही चाहिए। दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि पैसे कैसे बनाए बल्कि ये कि बेरोजगार लोगों का क्या करें। लोगों को डर है कि उनका डिसीजन गलत ना निकले, उन्हें डर है कि शायद उनके पास काबिलियत ना हो। इंडस्ट्रियल एज अब खत्म हो चुकी है, वो मर चुकी है, इसीलिए अब स्कूल जाना और नौकरी ढूंढना ये पुराना आइडिया है, पगार के लिए काम करना पुरानी बात है। जवाब की खोज आज हम सबको यहां एक साथ लाई है। मेरा नाम है एरिक वॉरी। पिछले 30 सालों से मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। संघर्ष करना पड़ा पर सफलता मिली। एक सफल लेखक, स्पीकर और बिजनेसमैन होते हुए मैंने अपने पूरे करियर में दुनिया भर में लाखों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने में मदद की है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हम पैसे कमाते हैं उसका बेहतर तरीका जरूर है। करियर बनाने के तरीके बदल चुके हैं मगर बहुत से लोग अब भी पुराने तरीकों में फंसे हुए हैं। जो पिछली पीढ़ी के लिए सही था वो आज की पीढ़ी के लिए नहीं है। इस फिल्म में हम 3 अहम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहला, हमारे कामकाजी जीवन में असल में क्या हो रहा है। दूसरा, आज के हालातों में खुद का काम करना ज्यादा सही है या किसी और के लिए काम करना। तीसरा, अगर कोई खुद का काम शुरू करना चाहे तो कैसे कर सकता है बिना ज्यादा रिस्क के। इस काम में मदद करने के लिए मैंने आमंत्रित किए हैं कुछ सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट्स और लीडर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको सच्चाई बताएंगे। मेरा इरादा है आपको ऐसी नई जानकारी देना जो आपको पुराने आउटडेटेड मॉडल से हटकर सही चुनाव करने में मदद करेगी। शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कामकाजी जिंदगी में आज क्या चल रहा है। हमारी दुनिया देखते हैं, 30-40% काम नहीं कर रहे मगर कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि अगर 6 महीने तक आपको नौकरी नहीं मिली तो आप बेरोजगार नहीं हैं, आप लेबर फोर्स से निकाल दिए गए हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट तकनीकी उन्नति के कारण है तो ये आर्थिक विकास की पहली निशानी है। मान लीजिए 10 लोग एक आइलैंड पर रहते हैं, वो रोज समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हैं। एक दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई उन्हें एक जाल लाकर दे देता है। अब एक इंसान बोट चलाता है और एक जाल बिछाता है, 2 मछुआरे वो पूरा काम कर लेते हैं जो 10 करते थे। ये उत्पादकता में 500% की बढ़ोतरी है, वो भी एक ही दिन में। ज्यादा सीखने की भी जरूरत नहीं, कांटे की जगह जाल फेंकना है बस। अब इस आइलैंड पे बड़ी प्रॉब्लम है, 80% बेरोजगारी, मगर आइलैंड के पास मछली कम नहीं हुई क्योंकि 2 लोगों ने 10 के बराबर मछली पकड़ ली। अब इतिहास देखें तो ऐसे बदलाव लाने में हजारों साल लग जाते थे। उस समय हम फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर नहीं थे। ये सब नए प्रोफेशन हमने बनाए, नई मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बनाई। आज ये बदलाव एक दिन में आ जाते हैं जब कोई तकनीकी उन्नति होती है, और हमारे पास इससे निपटने की तैयारी नहीं है, न ही बेरोजगार हुए लोगों को दोबारा ट्रेन करने की। सो
एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं काम के सिलसिले में पूरे देश में घूमता हूँ और पूरी दुनिया में भी, और मैंने देखा है कि जिस तरह से हम काम करते हैं और जिस तरह से हमें उसके पैसे मिलते हैं, ये तेजी से बदल रहा है। पूरे दुनिया में सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से। ये बहुत से जॉब्स खत्म कर रही है और जो जॉब्स बचे हुए हैं उसके लिए काबिल लोग नहीं हमारे पास। बात यह है कि पब्लिक कंपनीज में जॉब्स कम से कम करके प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बहुत ज्यादा डिमांड है। जॉब सिक्योरिटी एक वहम है, लेकिन हमें स्कूल में अभी भी यही सिखाया जाता है और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल सिस्टम में मिसिंग है और लोगों को एम्प्लॉय बनना और सैलरी के लिए काम करना सिखाया जाता है। ये मिडिल क्लास के ऊपर चार्ट है। मिडिल क्लास लोगों में जो स्कूल जाते हैं उनकी इनकम साल दर साल कम होती जा रही, लेकिन पेरेंट्स फिर भी कहते हैं स्कूल जाओ जॉब करो। तो इन सारे मिडिल क्लास लोगों को जो चार्ट में नीचे होते जा रहे हैं, इन्हें कहा जाता है वर्किंग पुअर, यानी काम करने वाले गरीब। अब कहते हैं गरीबी कम हो रही है, हो सकता है, मगर काम करने वाले गरीब बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है लोग उतना नहीं कमा पा रहे जितना जीने के लिए जरूरी है। जो फाइनेंशियल प्रेशर या आर्थिक दबाव लोग आज महसूस कर रहे हैं, वो पहले के समय से मेरे ख्याल में आज कहीं ज्यादा है। अगर आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आगे का रास्ता बड़ा कठिन होने वाला है। आज अगर आपको अपना भविष्य नियंत्रण में रखना है तो 40-40 प्लान नहीं चलेगा, यानी कॉलेज पास करके जॉब लेकर 40 घंटे काम हर हफ्ते 40 सालों तक। वो दिन जा चुके हैं। किसी को समझाना चाहिए कि क्या चल रहा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग वापस स्कूल जा रहे हैं क्योंकि सब सोचते हैं मैं स्कूल जाऊंगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन देखिए स्टूडेंट लोन के साथ क्या चल रहा है। वो हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा, और स्टूडेंट लोन क्रेडिट कार्ड के उधार से भी खतरनाक है। जब लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने उन्हें स्टूडेंट लोन में डुबा दिया। स्टूडेंट लोन के साथ प्रॉब्लम है कि ये कभी माफ नहीं किया जाता। क्रेडिट कार्ड में आप दिवाला घोषित कर दीजिए और पूरा उधार माफ, मगर स्टूडेंट लोन में आप दिवाला नहीं घोषित कर सकते, ये पटाना ही होगा। ये सबसे खराब उधार है। और ये चार्ट देखिए, कॉलेज ग्रेजुएट्स की कमाई के साथ क्या हो रहा है, ये कम हो रही है। तो आप कॉलेज जाते हैं, उधार लेते हैं, लेकिन कमाई कम होती जा रही है। अब ये कोई समझदारी का काम तो नहीं है। एक एवरेज सारी जिंदगी काम करने वाला अमेरिकन जिंदगी खत्म होने तक, यानी 65 साल तक सिर्फ 27 लाख के एसेट्स ही बना पाता है, मतलब सिर्फ उतना कि बस काम चल सके। मुझे खराब लगता है उस इंसान के बारे में जिसे काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, जिसे सोमवार सुबह से चिढ़ है, अलार्म क्लॉक से नफरत है, जिसे बुधवार आते ही थोड़ी सी खुशी होती है कि आधा हफ्ता निकल गया, और शुक्रवार को चैन की सांस लेता है, और वो बस हफ्ते के उन दो दिनों के इंतजार में रहता है जब वो खुद के लिए जीता है, अनचाहे लोगों से दूर, और उन्हें ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर, जब दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। वो इंसान जो 50 हफ्ते काम करता है साल में सिर्फ इसीलिए ताकि दो हफ्तों की घूमने फिरने की छुट्टी मिल सके, और आजकल तो वो घूमने फिरने भी नहीं जाते। उन्हें छुट्टी तो मिलती है पर वो घर पर ही रहते हैं, क्योंकि वो इतना काम करके थक जाते हैं, बिल्स चुकाने, ट्रैफिक में फंसे रहना, अलार्म क्लॉक पे जीना, जब तक काम नहीं होता उन्हें नींद नहीं आती। मुझे खराब लगता है क्योंकि इससे अच्छा तरीका है जीने का, बस उन्हें मालूम नहीं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, हर कोई ऑफिस में अलग अलग पदों पर है, कोई बॉस, कोई जूनियर, मगर ये सब सेम है, एक पेपर पर चिपकाए फोटोज की तरह है, बस आज है कल नहीं, तो कोई खास फर्क नहीं इनकी जिंदगी में। वो बस एक लाश की तरह काम किए जा रहे हैं, ना खुशी ना काम करने का मजा, ज्यादा से ज्यादा बस अपनी क्यूबिकल को थोड़ा सजा लेते हैं, उससे थोड़ी तसल्ली मिल जाती है उन्हें कि लोग कुछ तो तारीफ करें। वो सारी जिंदगी चिंता में रहते हैं, कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं कंपनी ना बंद हो जाए, इतने सारे बिल्स पे करने की चिंता, बच्चों को कॉलेज भेजने की चिंता, बहुत सारी बातों की चिंता लोगों को होती है। क्या होगा अगर मेरी कार बंद पड़ जाए, कैसे ठीक करेंगे,
ये एक्स्ट्रा खर्चा कैसे मैनेज करेंगे? लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं और ये उन्हें खाते रहती है। जब मंदी आई थी तो लोग क्या मांग रहे थे? नौकरी या ऑफिस में बैठने की जगह नहीं, वो काम मांग रहे थे, काम ढूंढ रहे थे वो। नौकरी बस एक नापने का तरीका है, काम के पीछे हम भाग रहे हैं। वक्त है आईने में देखकर बोलने का, ये देश की नहीं मेरी इकोनॉमी का सवाल है। मेरी छोटी सी दुनिया है जहां मैं रहता हूं, मुझे इसे सुधारना होगा। मैं देश की इकोनॉमी सुधरने तक का वेट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी है। मैं हूं वॉल स्ट्रीट में, ब्रह्मांड का आर्थिक केंद्र, दुनिया की आर्थिक राजधानी। ये वो जगह है जहां दुनिया के ज्यादातर लोग पैसे लगाते हैं। बैंक में इंटरेस्ट रेट कुछ खास मिलता नहीं है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऐसे ही रहने वाला है अगले 10, 20, 30 सालों के लिए। तो लोगों को लगता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है शेयर बाजार के अलावा अपना पैसा निवेश करने के लिए, यानी अपना भविष्य स्टॉक मार्केट वालों के हवाले कर देना और फिर आस पे जीना कि मार्केट ऊपर जाए, उनके स्टॉक्स की कीमत बढ़ जाए। ये एक तरीका है निवेश का, मगर मुझे लगता है कि अगर आप अपना भविष्य खुद बनाएं, यानी अपनी मेहनत से खुद कमाने की कोशिश करें, तो अपने आप पर निवेश करने में ज्यादा समझदारी है। अपना भविष्य खुद कंट्रोल करें बजाय इसके कि अपनी मेहनत से जमा किया हुआ पैसा इनके हाथ में दे देना। अमेरिका में एक फैमिली की एवरेज कमाई होती है सालाना $50,000 या 33 लाख रुपए। इन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है। टॉप 25% में पहुंचने के लिए कम से कम $90,000 या 60 लाख रुपए होने चाहिए। टॉप 10% में पहुंचने के लिए $1,40,000 या 93 लाख रुपए। टॉप 5% $1,90,000 या 1,25,00,000 रुपए और टॉप 1% के लिए $3,80,000 या 2.5 करोड़ की सालाना फैमिली इनकम। तो सवाल यह है, ऊपर उठने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? टॉप 10%, टॉप 5%, टॉप 1% या उससे भी आगे बढ़ने का? और मेरे हिसाब से और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से जवाब है, खुद का व्यवसाय। बनो अपने खुद के बॉस। आपको खुद का बिजनेस करना ही होगा। मैं किसी को नौकरी करने की सलाह सिर्फ तभी देता हूं जब वो चोट खाए हुए हों। जब कोई अंदर से हार चुका हो, मैं सिर्फ तभी उन्हें यह सलाह देता हूं। और ये बहुत दुख की बात है जब आप किसी को आत्मविश्वास नहीं दिला सकते कि सब ठीक हो जाएगा। किसी को नौकरी करने की सलाह देना, यकीन मानिए, इसमें कोई भलाई वाली बात नहीं है। आजकल लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर लोग खुद का बिजनेस कर रहे हो, भले ही घर से काम कर रहे हो, वाव। मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, काश मैं ऐसा कर सकता। एंटरप्रेन्योर होने का मतलब है आप में दम है रिस्क लेने का। कोई रोक नहीं सकता आपको। आप देख सकते हैं कि आप आज कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं, ना कि जो मिल गया उसी में जीवन निकाल दिया। देखिए, बड़े एंटरप्रेन्योर्स को उनके सपने बड़े हैं। वो आज वो सब करने को तैयार हैं जो दूसरे नहीं करेंगे, ताकि कल वो ऐसे जी सके जैसे दूसरे नहीं जी सकेंगे। ये आज की इकोनॉमी या पहले की इकोनॉमी कुछ नहीं होता। मैं अपनी इकोनॉमी खुद बनाता हूँ। एंटरप्रेन्योर खुद कंट्रोल करता है। वो खुद तय करता है कि उसकी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। बिजनेस की दुनिया में कोई लिमिट नहीं होती, जितना चाहो बनाओ। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना काम करना चाहते हैं और कैसी टीम तैयार करते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा बिजनेस है आपका अपना खुद का बिजनेस। आज की दुनिया में जब कोई भी कुछ भी बन सकता है, तो क्यों लोग अपनी आजादी छोड़कर